हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं भिंडी फ्राई, बहुत ही टेस्टी लगता है। इसे देखिए, मैंने एक बारीक से काट रही हूँ, बीच से काट लेते हैं ताकि सड़ा हुआ हो तो हटा दें। इसको ऐसे ही आप लोग काटिएगा। इसे देख सकते हैं, सारे मैंने लंबे लंबे अच्छे से काट लिए हैं। अब इसमें हम बेसन डाल देते हैं 2 चम्मच, और नमक स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर और जीरा पाउडर, इस लहसुन भी डाल देते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। आप चाहे तो ऐसे भी मिक्स कर सकते हैं या पानी देके कर सकते हैं। हम तो इसमें पानी देके किए हैं, आप लोग जैसे चाहे वैसे मिक्स कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। ये देख सकते हैं, हमारा हो गया है। अब गरम कर लेंगे हम तेल, उसके बाद इसमें डाल देंगे। ये बहुत ही आसानी से और जल्दी बन जाता है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कमेंट में कैसा लगा आप लोग को ये रेसिपी। इसे अच्छे से पलट देते हैं, दोनों साइड से अच्छे से लाल कर लेंगे। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसे निकाल के रख लेते हैं। अब प्याज को फ्राई कर लेते हैं। बिना प्याज के भी आप खा सकते हैं, पर प्याज डाल के खाने में बहुत टेस्टी लगता है। इसमें भी सेम मसाला सारा डाल के अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे। प्याज हल्का ब्राउन होने के बाद हम इसमें डाल देते हैं फ्राई वाला भिंडी, और ये हमारा रेडी हो चुका है। देख सकते हैं कितना ही यम्मी और टेस्टी दिख रहा है। इसमें आप लोग नींबू का रस इसमें भी डाल सकते हैं या ऊपर से डाल के आप खा सकते हैं। जब आप खाना चाहे, ख़राब नहीं होगा, जब आप खाएंगे तभी खट्टा खट्टा और टेस्टी लगेगा। चलिए आप लोग से मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आप लोग को ये रेसिपी।